गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. नाउ टेक आउट योर पर्स बुक. दिस इज योर पर्स बुक. नाउ ओपन योर बुक एंड नाउ स्टूडेंट्स ओपन योर बुक एंड टेक आउट द पेज नंबर 170. ओके, टुडे वी विल डू द एग्जाम्पल 19. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Example 19. Okay, see here. Now see this one. क्या है example में? 11/5 minus 3/20 और minus 2/5, है ना students? तो आपको मैंने last lecture में बताया था कि पहला sign क्या use होता है? Addition का. But इसमें सारी ही value क्या है हमारी? Subtraction की, है ना? सारी value कौन सी है हमारी? सब्ट्रैक्शन की. तो स्टूडेंट्स इसमें क्या करेंगे हम? पहले क्या करेंगे? एल सी एम. ओके, नाउ 5, 20 और 5, इन तीनों को क्या करेंगे हम? एल सी एम निकालेंगे. सो 5 ones are 5 की टेबल में 20 कितने टाइम्स आता है? 4 times. और 5 की टेबल में 5 कितने टाइम्स आता है? 1 times, है ना? ये सही है स्टूडेंट्स. सॉरी, एक नंबर है आपका 15. सो 5 के टेबल में 15 3 टाइम्स आता है ना. सो आपकी वैल्यू होगी 5 × 3 × 4. सो 5 × 3 = 15 और 15 × 4 = कितना होता है स्टूडेंट्स? 60. कितना होता है? 60. ठीक है, अब हमारा एलसीएम तो मिल गया है. अब हम क्या करेंगे? इनमें सारे में वैल्यू क्या करेंगे? सेम करने की कोशिश करेंगे, है ना? कोशिश नहीं करना है बल्कि करना ही है. ओके, अब 15 है तो 15 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 × 3 = 15 होता है. कौन सा नंबर बच रहा है? 4. तो नीचे भी 4 से और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 20 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 × 4 = कितना होता है 20? क्या बचा? 3. तो इसको हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब 5 खाली 5 है तो खाली 5 ये रहा. क्या नंबर बच रहा है? 3 और 4. तो 3 × 4 = 12. तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से. 11 × 4 = 44. 3 × 3 = 9. 2 × 12 = 24. अब इसको कर देंगे हम ऐसे और 23 कितना होता है? 60. सो आपका डिनोमिनेटर क्या रहेगा? 60. ओके, अब स्टूडेंट्स ये देखो, 44 को 9 से माइनस करो कितना आएगा? 35 minus 24/60. अब 35 को 24 से माइनस करो. 5 में से 4 गया 1 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा. तो आपका आंसर आया 11/60. दिस इज योर फाइनल आंसर एंड यू हैव टू सॉल्व योर सम्स लाइक दैट. ओके, नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी द एक्सरसाइज 9.3. दिस इज योर इन योर नेक्स्ट पेज, दैट इज योर पेज नंबर 171. ओके, सो एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन ए सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स. वैल्यू दे दी गई है, है ना? तो चलो फर्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं. 1/8 + 1/2 - 1/16. अब एलसीएम करने से अच्छा है तो स्टूडेंट्स ये बताओ, इसमें सबसे बड़ा एलसीएम 16 का है और ये दोनों ही टेबल इसके में आते हैं, तो हमें क्या करना है? डिनोमिनेटर क्या लाना है? 16. सो 1/8, 8 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 16 मिलेगा? 2 से. तो नीचे 2 से किया तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा, फिर प्लस की साइन. 1/2, 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 16 मिलेगा? 8 से. नीचे 8 से किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, है ना? नाउ 2/16 + 8/16 - 1/16. 2 + 8 = 10. 10 - 1/16. ओके, देखो 2 + 8 - 1/16, जस्ट लाइक दैट. सो 10 - 1/16, इट इज़ योर 9/16. अब ये बताओ दोनों 3 के टेबल में आते हैं? नहीं आते हैं. तो ये दोनों ही वैल्यू अलग है, इस वजह से आपका फाइनल आंसर आएगा 9/16. ओके, नाउ स्टूडेंट्स योर होमवर्क इज एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर ए पेज नंबर 171. ओके,
दिस इज योर होम वर्क. ओके, सो टेक केयर, बाय, थैंक यू, एंड यू हैव टू डू दिस रिमेनिंग सम्स. ओके, सो बाय बाय, टेक केयर.